वक्त मौजूद है वृंदावन धाम में गौरी गोपाल आश्रम, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। मैं संतोष यादव, महानायक बिरलोरिक ट्रस्ट के अध्यक्ष। हम लोग दरभंगा से आए हैं और महाराज जी का दर्शन करने के लिए आए हैं और इसी उम्मीद से आए हैं कि महाराज जी हमारे पावन धरती पर पधारें और अपनी मधुर वाणी से लोगों को वहां पर अपनी वचन दे, प्रवचन दे। अपना नाम बताएंगे? रामानंद यादव जी। आप भी बिहार से आए? हां, बिहार से आए, लोरिक धाम बंडोली बिहार। क्या आयोजन समिति का अध्यक्ष, बाबा के रिक्वेस्ट करने के लिए लोरिक धाम पधारे बाबा। हां, हम लोग लोरिक बाबा का डी का जो अथी अहोभाग होगा जो बाबा वहाँ पर आ रहे हैं। जी जी, आप भी आए हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। क्या चाहते हैं महाराज जी से? महाराज जी के यही हम लोग चाहते हैं जो बाबा जी हमारे वहाँ पधारे। जी जी, एक सरपंच है, राज कुमार यादव। अच्छा अच्छा, अपना परिचय देंगे? मैं राम पदारथ यादव जी, वीर लोरिक ट्रस्ट जन्मभूमि, मैं बिहार से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाबा का दर्शन हो और बाबा हमारे जन्मभूमि वीर लोरिक धाम बंडिहुली में पधार करके हमारे और हमारे समाज के लोगों के अपने मधुर वाणी से आत्मज्ञान दे, ताकि हम लोग सही रास्ता पे चल सके। इसी शब्दों के साथ प्रमोद यादव जी, बिहार दरभंगा। क्या सोच के आए हैं? सोच के आए हैं जो यहाँ से बाबा जी को ले जाएं वहाँ प्रवचन सुनने के लिए और समाज को बढ़िया विचार देने के लिए। जी जी, जो हमारे स्थान लोरिक धाम बंडिहुली में चले और वहाँ का आदमी का अपने विचार से प्रभावित करेगा। आप वृंदावन आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप प्रसाद ग्रहण किए थे? हाँ, किए हुए थे, गौरी गोपाल आश्रम का। हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मीठा लगा, बहुत पवित्र लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जितना टीवी में देखते थे उतना यहाँ पर सच में है कि नहीं? बिल्कुल है, एकदम सत्य सच है, तो झूठ नहीं है? नहीं है भाई, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य सच है सर। अपना परिचय देंगे? मैं प्रमोद कुमार यादव जी, दरभंगा बिहार पंचायत समिति पति। सभी लोग यानी कि अपने गाँव से चल के वृंदावन आ गए? जी जी जी। क्या सोच के आए हैं? बाबा को ले जाने के लिए, वहाँ पर अपना चरण रखे और उस जगह का माटी को और अच्छा बना दे। जी जी, आपको स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे, मेरा नाम रामदयाल महतो जी। मैं अभी लोरिक धाम का महंत जी और रामदयाल दास बन चुका हूँ। वैसे मैं एक्स चेयरमैन दिल्ली नगर निगम हूँ, दिल्ली नगर निगम, और पिछले 30 साल से दिल्ली में मैं दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से धार्मिक कार्यक्रम कर रहा हूं, और 13 साल से लोरिक धाम बंडुली जो मेरा जन्मभूमि है और वहां 7 महायज्ञ हो चुका है, और इस बार मन में है कि 2025 मई में श्री माननीय अनुराधाचार्य जी के मुखार बिंदु से वहां के लोगों का कल्याण हो, उस धरती पर पहुंचे, इसी उम्मीद से आया। कथावाचक तो बहुत सारा है, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी क्यों? जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा, क्योंकि जब 30 साल से मैं धार्मिक जीवन में हूँ तो बहुत सारे कथावाचक मैं बुलाया दिल्ली से वहाँ तक जी। मगर जो इनको करुणामय भावना देखता हूँ और जो इन्होंने आज के युग में लोग अपने माँ बाप को सेवा नहीं कर पाते हैं और इनके माध्यम से सैकड़ों हजारों माता को वृद्ध को जो एक करुणामय सेवा कर रहे हैं, शायद मुझे लग रहा आज के युग में आश्रम तो बहुत चला रहा मगर इस भावना से जो माता को सेवा कर रहा, ये मेरे दिल के छू गया और मैं इसी देखने के लिए यहाँ आया, और देखने के लिए जब आया तो मैं उससे ज्यादा देखा। और जितना चीज आप टीवी पर देखते थे, क्या यहाँ पर सारा चीज सच में पाया गया कि नहीं? मैं कह रहा हूँ जितना मैं देखा सुना उससे ज्यादा, क्योंकि मैं बाहर कहूँ प्रसाद नहीं ग्रहण करता हूँ, और यहाँ जो मैं प्रसाद ग्रहण किया तो मुझे तो लगा कि ये प्रसाद नहीं महाप्रसाद है, और यहाँ लाखों लोगों को डेली ऐसा व्यवस्था कराया जा रहा है। ये संत तो बहुत हो सकते हैं, ये ईश्वर का कृपा है उनके ऊपर, और ये कृपा अपने चरणों में से थोड़ा सा हम लोगों के दरभंगा जिला में पुनः दोबारा लोरिक धाम पर पहुंचे, जो कि हम लोग वहाँ सैकड़ों कोस के लोग कृतार्थ हों, जैसे हमारे राम सनेही जी ने बुलाए थे मैसोट में और 2 साल पहले, और 2025 में बाबा लोरिक धाम पर पहुंच के पूरे दरभंगा जिला को धन करें, इसी उम्मीद और विश्वास से आया हूँ। महाराज जी कथा करते हैं, कुछ ऐसा पॉइंट बताएंगे जो आपको दिल को झकझोर देता होगा? देखिए, जो उन्होंने कथा कम, लोगों के दिल के बात ज्यादा करते हैं जी जी। और जब किसी व्यक्ति को दिल की बात बता दो, उनकी दिल की बात जी, तो उनकी आत्मा भा जाते हैं, और किन्हीं भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में महाराज जी न तो परेशान देखते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और मुस्कुराते मुस्कुराते बहुत कुछ कह जाते हैं जो लोगों के, उनकी एक बात अमल कर ले तो कल्याण हो जाएगा। इसीलिए मैं
लोरिक धाम के पूरा पदाधिकारी, कोई दिल्ली में रहते हैं, कोई चेन्नई में रहते हैं, कोई जोगबनी में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं, सारे लोग पूरे ग्रामीण के साथ बस भर के यहाँ पर आए हैं। तो आप समझ सकते हैं महाराज जी के प्रति कितनी बड़ी दीवानगी और उनकी जो संरक्षण में उनकी विचार सुनने के लिए आए हैं। तो महाराज जी से दर्शन हुआ है कि नहीं? नहीं, दर्शन नहीं हुआ है, उम्मीद है महाराज जी कल हम लोग के दर्शन देंगे। और हम लोग जिस उम्मीद से आए हैं लोरिक धाम बंडूली बहरी दरभंगा से, वो हम लोगों को विचार भी मानेंगे और मई 2025 में अपने मुखारबिंदु से लोरिक धाम में प्रवचन देंगे, यही आशा और विश्वास के। और जैसा कि आपने देख लिया है कि मिथिला के पावन धरती पे 25 मई में फिर से बिहार के पावन धरती पे महाराज जी का आगमन होने वाला है, आप लोगों की क्या राय प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।